आप दुबई में वॉक कर रहे हो, बहुत ही खूबसूरत है। ये पता नहीं बहुत बड़ा है यार, यहाँ पे भी हर चीज का ब्रांड खुला हुआ है। स्टेयर्स हैं, यहाँ से जाएंगे, जगह ले ही आना चाहिए ताकि थोड़ा सा एंजॉय कर ले बैठने के लिए। अब जगह कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन, मजा आ रहा है कुछ चेंज करने के लिए। वॉल क्लाइंबिंग पे मिल रहे हैं, ओहो जानी चीजें हैं। अब यहाँ पे देख ले आप लोग, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैरायटीज हैं। क्योंकि व्लॉग्स खत्म किए थे, मतलब उसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो वेलकम टू दी ब्रांड 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 न्यू व्लॉग। चलो जी मिलने अनिश साहब से, और इनसे भी कर ले जरा सलाम, बड़ा नाराज हो आप लोग, इनसे सलाम कर ले यार। वालेकुम, उनको सलाम कर दे जी, और सॉरी भी बोलते हैं आपसे, बहुत नाराज हुए लोग। भाई मुझे क्या मालूम। हाँ तो भाई सीन क्यों है, लॉन्ग टाइम नो सही, इसलिए हुआ है क्योंकि व्लॉग्स खत्म किए थे, मतलब उसका वो मकसद नहीं था कि भाई व्लॉग्स खत्म कर दिए। बहुत लोग नाराज हो गए हमसे, बहुत लोगों के मैसेजेस, इतने मैसेजेस कि दो हफ्तों से मुझे मैसेज आ ही रहे हैं बाकायदा किसी ना किसी के, कि आपने व्लॉग क्यों खत्म कर दिए, क्यों खत्म कर दिए, इसने मना किया, उसने मना किया। तो भाई किसी ने मना नहीं किया, मैंने खुद से किया था, लेकिन वो व्लॉग खत्म करने का मकसद ये नहीं था कि पूरी तरीके से व्लॉग्स को खत्म कर देना। भाई अजलान अनिश का चैनल है, अजलान भी आएंगे, अनिश भी आएंगे, हम कहीं भी बाहर जाएंगे आपको दिखाएंगे, आपसे शेयर करेंगे, जहां भी जा रहे होंगे कहीं आउटिंग पे, शॉटिंग पे, घूमने फिरने, वो सब आपको दिखाएंगे, और फैमिली इवेंट्स भी दिखाएंगे। लेकिन मेरा एक मकसद था कि फैमिली इवेंट्स में हम लेडीज जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको मैं अपने व्लॉग में ज्यादा शो नहीं करूंगी। तो वही एक चीज थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, उस वजह से मैंने व्लॉग्स को थोड़ा सा रोका था, और मैं खुद भी सोच रही थी कि अब मुझे आगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बस ये एक मकसद था कि मैं व्लॉगिंग करती रहूंगी, है ना। व्लॉगिंग हम करते रहेंगे, उसकी टेंशन ना लें आप लोग। बहुत से लोग टेंशन में आ गए, भाई व्लॉग क्यों खत्म किया, क्या मसला हुआ है, क्यों खत्म किया ये वो। तो बस इसलिए किया था कि भाई मुझे लेडीज को शो नहीं करना अपने व्लॉग में, लेकिन बच्चे या फिर ये जो हमारे हमारे हस्बैंड हैं और हमारे भाई हैं, इतने सारे जो आप लोग के प्यारे प्यारे और हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, उन सबको दिखाएंगे, आपको हर चीज दिखाएंगे, लेकिन बस ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स और लेडीज नहीं दिखाएंगे। बस ये एक मकसद था जिसकी वजह से मुझे एक डिस्टर्ब हो रही थी मैं, तो मैंने कहा थोड़ा सोच लेते हैं। आज जरा एक मौका मिला था, निकल रहे थे हम लोग, अजलान की जिद आ गई भाई के, भाई कहीं लेके जाओ, लेके जाओ गीगल टाउन, ले जाओ यहाँ, ले जाओ। तो अजलान के लिए एक नई जगह ढूंढी है, वहां लेके जा रहे हैं उसको। अनिश नहीं जा रहे मेरे साथ, जाएंगी बिस्माबाजी और खनसा जा रही है, तो हम लोग जा रहे हैं वहां पे, बड़ा एंजॉय होने वाला है, नई जगह है। तो आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। तो पहले मैंने सोचा आज मौका है तो पहले अपनी बात को कर देते हैं क्लियर, लोगों को बता देते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोग ज्यादा टेंशन ना लें यार। और इसी तरह जिस तरह आप लोग प्यार देते थे, देते रहे हमेशा हमेशा हमेशा। तो अभी चलते हैं, लेते हैं अजलान को, बिस्मा को और खनसा को, और उसके बाद निकलते हैं और आपको दिखा। देख ले जी, अस्सलाम वालेकुम कर दो अजलान, हाय कर दो, हाय कर दो, हेलो। ये क्या लेकर आए, डैडी क्यों लेकर आए हो, डैडी क्यों लेकर आए हो अपने साथ, डैडी गाड़ी में, फुल स्पाइडर मैन भाई, ऊपर से नीचे तक स्पाइडर मैन, एक्साइटेड। हाँ। बहुत एक्साइटेड ना, ये इनकी जिदे थी भाई, इनकी जिदे शुरू हो गई हैं कि मुझे कहीं ले जाओ, मुझे कहीं ले जाओ। आज हमने सोचा कि भाई हम चलते हैं, और बस अभी निकलते हैं, खनसा जरा आ जाए, अस्लान की फ्रेंच फ्राइज लेने गई है। ओहो चलो, बहुत ही बड़ा। अब सुना था हमने भाई कोई एक नई चीज, नई जगह खोली है बच्चों के लिए, एक्वाटिक एडवेंचर कुछ करके भाई, तो देखते हैं चलते हैं, देखते हैं भाई खुला या नहीं खुला। हमें बताया है कि खुला है, लेकिन अब पता नहीं खुला है नहीं खुला। तो हम लोग बस अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। ये देख ले भाई, वैसे नॉर्थ वॉक तो भाई ऐसा बनाया हुआ है जैसे आप दुबई में वॉक कर लो, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ यार। वैसे यार यहाँ पे भी हर चीज का ब्रांड खुला हुआ है, यहाँ पे भी हर किस्म का ब्रांड है, मतलब आप अगर आपके घर से नॉर्थ वॉक करीब है ना, तो आपको विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि बड़े बेहतरीन जगह है। तो है भी बारी, खाली खाली सी, बंदा आए एंजॉय करे। अभी हम चलते हैं और देखते हैं।
भाई ये है फेज टू। फेज वन में हम लोग बहुत आए, वहाँ पे पीका बिहार है, लेकिन पीका बिहार हमें नहीं जाना था, कोई नई जगह जाना था क्योंकि अजलान को पीका बिहार बहुत तेज है। हमने सोचा कहीं नई जगह चलते हैं, तो अनिश ने बताया यहाँ पर खुली है, लेकिन अब ऊपर चलते हैं देखते हैं भाई खुला है या नहीं खुला। ये देखें यहाँ पर आइडियाज भी है, आउटफिटर्स भी है, वन भी है भाई, काफी ब्रांड्स है। अभी हम चलते हैं ऊपर भाई, पता नहीं हमें यहाँ पे लिखा हुआ तो रेस्टोरेंट है, अब देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। यहीं से खुली है भाई, हम समझे थे यहाँ से खुली है, वहाँ से खुलेगी। यहाँ पे तो बाबा रेस्टोरेंट ही है खाली, अब क्या करें। वो जगह कहाँ है जो अनिश ने हमें बताई है, वो हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पे तो भाई खुशबू आ रही है, अच्छी अच्छी मज़ेदार खानों की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। ऐसा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, वो तो रेड एप्पल है, क्या है कुछ? चलो भाई देखते हैं यार, शायद कुछ है तो देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जी, यहाँ पे अलग अलग किस्म के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे जूस भी मिल रहा है, चाट्स भी मिल रही है, बहुत कुछ मिल रहा है। और ये जो जगह थी, यहाँ आना था हमने, लेकिन आई थिंक ये बंद है। बंद है, खुला हुआ है? वाह क्या जगह है भाई ये, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत एक्साइटेड हो? अच्छा चले जी, पूछते हैं यहाँ पे जाने का क्या सीन है। ये देख ले जी जनाब, यहाँ पे हम लोग आए हैं, इसका नाम पता नहीं, इक्वाटिक एडवेंचर लैंड है कुछ है इसका नाम इस तरह का। तो हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन अभी यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये बच्चों के लिए, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए। इसमें बहुत सारे एडवेंचर्स हैं जो ये छोटे अजलान जितने बच्चे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े लोग हैं ना वो कर सकते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या स्लाइडिंग है, वो पानी में जा रही है, वहाँ पे इतनी बड़ी स्लाइड है, वो पानी में जा रही है। और 1200 रुपये टिकट है 2 घंटे के लिए, और मेरे ख्याल से कुछ अलग अलग पैकेजेस हैं अलग अलग घंटों के लिए। तो मैं ज़रा मालूमात कर लेती हूँ, अगर फिर भी समझ आया तो चले जाएंगे, वरना फिर बराबर में पीका बिहार है हमारा फेवरेट, वहाँ चले जाएंगे। ये देख लें यहाँ के पैकेजेस हैं, 2 घंटे के 1200, 3 घंटे के 1450 और अनलिमिटेड के 2200। अब देखते हैं जी, अगर समझ आया तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वरना फिर हम लोग देखते हैं जी। इक्वाटिक एडवेंचर लैंड हम लोग आए हैं, और अभी हमने इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, इन्होंने कहा जी अजलान भी कर सकते हैं, अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, बाकी थोड़े से बड़े बच्चों के लिए तो फंसा तो सब एक्टिविटीज़ कर लेंगे। बाकी हम लोग यहाँ से भी मनाते हैं, हमने 1000 रुपीज़ का 1 आवर के लिए लिया है, 1000 रुपीज़। अगर आप 2 आवर्स के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए 1200 रुपीज़ है। पहले हम लोग चेक करेंगे 1 घंटा जाके कैसा होता है, अंदर इन्जॉय कर रहा है नहीं कर रहा अजलान, फिर आप लोग को भी बताएंगे भाई वर्थ इट है या नहीं है। ओके जी चलते हैं हम लोग, अब यहाँ से स्टेयर्स हैं, यहाँ से जाएंगे नीचे, और नीचे जाके देखते हैं जी क्या क्या एडवेंचर्स हैं। वैसे बना हुआ बड़ा अच्छा है जी, ग्रीनरी ग्रीनरी काफ़ी है। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं, और आपको भी बताते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो न्यू प्लेस है, तो न्यू प्लेस कराची में ज़रूर विजिट करनी चाहिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो भाई लाजमी बच्चों को तो हर नई जगह ले ही आना चाहिए, ताकि उनको भी इंजॉय हो जाए। अभी हम भी पहली बार आए, हमें इतना कुछ आइडिया नहीं है इस जगह के बारे में, और सुना था अनिश ने कहा था है अच्छी, तो मैंने कहा चलो यार अजलान को ले चलते हैं, और काफ़ी टाइम से कुछ व्लॉग भी नहीं बना था, तो हमने कहा चलते हैं। बस अभी देखते हैं, इसने कहा है कि ये जो है ये शायद अजलान कर लेगा। वाह यहाँ पे देख लें जी, मशीन भी है, वाह भाई वाह, क्रेन्स वगैरह भी रखी हुई है। अजलान देख रहा, मज़ा आएगा ना, वेरी एक्साइटेड। ये अजलान की फेवरेट चीज़ है, जो अजलान को बहुत पसंद है, क्रेन से उठानी है जी मिट्टी, ये तो इसको मज़ा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जी टायर शायर लगे हुए हैं, इस पर ज़रा एक्टिविटी अगर ये कर सके। अजलान और खनसा जा चुके हैं अंदर, और अब देखते हैं जी ये लोग क्या करते हैं यहाँ। चले जी अब हमारे अब्बा जी बैठ गए हैं यहाँ पे मिट्टी उठाने के लिए, अब ये चलेगी या खुद चलेगी? ओहो अजलान वाह भाई ज़बरदस्त, अभी देखते हैं आप चलाएँगे, चला दें यार इसको। हाँ चलो जी अजलान को करवा रहे हैं अब ये वाली एक्टिविटी। एक्साइटेड वाह भाई मिट्टी उठा लो, कुछ भी नहीं हो रहा अजलान से। ये उठ गई भाई, एक्टिविटीज़ तो अच्छी हैं बच्चों के लिए, अगर आप लाना चाहें अपने बच्चों को भी ले आएगा। हम भी आ गए जी, ओ कंसा को देखो क्या क्या हरकतें कर दी है कंसा। अब भाई दूसरी एक्टिविटी में आए, अब ये शायद पत्थर उठाने, पता नहीं क्या है भाई, हमने तो कभी किया ही नहीं, हमारे ज़माने में ये सब था ही नहीं, सिर्फ सिंधबाद में जाके झूले झूल लेते थे, ये सब था ही नहीं यार, ये तो इनके ज़माने में आ गई अलग अलग चीज़ें। जगह कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है मुझे लग रहा है, अभी तक है ना सब रेडी नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो अभी सिर्फ ये अंडर कंस्ट्रक्शन, और इन्होंने 2-3 चीज़ें खोल दी हैं बच्चों के लिए, तो अभी ज़्यादा इन्जॉय करने की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो अजलान आप यहाँ चले जाओ ना इसमें टायर्स में, यहाँ भेज दिया है, अब देखते हैं ये क्या करता है यहाँ पे, थोड़ा सा एंजॉय कर ले। वैसे हमने इसको कहा था भाई पीका बिहार चल लो, पीका बिहार में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अभी ये सर अंडर कंस्ट्रक्शन है जगह, यहाँ पे अभी कुछ भी इतना खास बना नहीं है, 2-3 चीज़ें 2-3 एक्टिविटीज़ ही बनी है, तो इसलिए अभी हम खैर ये जो भी एंजॉय कर ले उसके बाद देखते हैं क्या करना है।
यार यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गाइड कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को अभी पता नहीं है इस जगह का ज़्यादा, तो वो काफ़ी गाइड कर रहे हैं हर जगह पे, एक एक दो दो बंदे खड़े हुए हैं। ये देख लें जी, खंसा गई ये करने के लिए, ये बड़ा ख़तरनाक एडवेंचर होता है भाई, हमसे तो नहीं होता ये पता नहीं बहुत बड़ा है भाई। खंसा दिख रही है क्या वहाँ है? चलो देखते हैं जी भाई, खंसा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, नहीं दिख रही यार, नहीं दिख रही, रेड पहना हुआ दिख जाएगी, दिख जाएगी, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। हाँ यहाँ पे हो रही है जी वॉल क्लाइंबिंग, ये वॉल क्लाइंबिंग है, ये एडवेंचर है, ये जंपिंग है, वो कंस्ट्रक्शन के काम करने हैं भाई, वहाँ पे जाके लकड़ियाँ उठानी है, मिट्टी उठानी है, ये सब करना है। और यहाँ मुझे लग रहा है जो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है ना, ये कोई वाटर पार्क की तरह कुछ बन रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। अब जब ये बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा ना, तब भी इंशाल्लाह एक बार आएंगे और फिर आपको विजिट कराएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तो ये बना नहीं है, लेकिन जब ये बन जाएगा ना तो मुझे लग रहा है बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि स्लाइड्स वगैरह है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ वाटर पार्क ही बन रहा है। फाइनली भाई खंसा बहुत वहाँ से मेहनत करती 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 अब यहाँ पे कुछ नज़र तो आ रही है हमें, फाइनली भाई कुछ कर लिया है खंसा ने, पहुँच तो गई अपनी मंजिल तक, और अजलान तो बस अपना यहीं पर इंजॉय कर रहे हैं। ये खुद ही अपना एंजॉय कर रहा है भाई, यहाँ पर रश काफ़ी हो गया है और बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं ऊपर। फाइनली जी खंसा और अजलान पहुँच गए ऊपर, अजलान को हम कब से कह रहे हैं भाई ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, लेकिन खंसा जब अपना पूरा एडवेंचर करके आ गई तो उसने खंसा अजलान को भी ऊपर ले गई, तो ये बड़ा अच्छा हो गया, ये बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन हमें पता नहीं इसको कैसे अंदर एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते ना मजबूरी। जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे कुछ चेंज करने के लिए वॉल क्लाइंबिंग पे, ये खंसा ही चढ़ेगी भाई, अजलान का तो यहाँ पे भी कोई काम नहीं है। अरे यार आज है ना पैर में आई है कोई मोच जो कि चला नहीं जा रहा सही से, एक्साइटेड एक्साइटेड पता नहीं क्या क्या कर रही, कहाँ कहाँ चढ़ी भाई, बर्थडे है कहीं लटक वटक मत जाना तुम, समझी ना। चलो यार आज खंसा की बस फर्स्ट मेरे को बर्थडे शुरू होने वाली है, इसलिए लेबर वाले मजदूरों वाले काम कर रही है, मेहनत कर रही है खंसा भाई, अब चढ़ने लगी है वॉल क्लाइंबिंग करने लगी है, देखते पता नहीं कितनी ऊपर तक जा सकती है नहीं जा सकती। ओह वाह भाई खंसा तो बहुत ही ऊपर चली गई, अब वहाँ से कैसे जंप करेगी, बहुत ही ऊपर चली गई भाई, अब नीचे भी आ रही है, वाह 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 टैलेंटेड गर्ल, ओह लटकती भी आ गई। चलो जी आ गए हम लोग एंजॉय शंजॉय करके अंदर से, थोड़ा सही था मज़ा तो आया, खंसा ने बहुत इंजॉय किया, लेकिन अजलान के लिए इतना कुछ नहीं था, तो बस सही रहा, अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोग भी आए लेकिन अभी नहीं आए, जब पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, जब पूरा बन जाए सब कुछ कंप्लीट हो जाए इसका, उसके बाद ज़रूर। हाँ मोमोज मिल रहे हैं, ओहो जानी बिरयानी भी मिल रही है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है इसमें, वॉफल्स मिल रहे हैं और पैनकेक्स मिल रहे हैं, आइसक्रीम मिल रही है, और वहाँ पर गोलगप्पे और जूस मिल रहे हैं, वाह भाई ज़बरदस्त, अच्छी अच्छी सी फूड स्ट्रीट बना रही है इन लोगों ने ऊपर ही ऊपर, मैं सोच रही हूँ यार बिरयानी खा लेते हैं। भाई हल्का ले लिया हमने तो थोड़ा सा, यहाँ पे तो और भी है, हम लोग दूसरी साइड आए तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख लें आप लोग, यहाँ पे है जी कॉफ़ी, चाइनीज़ भी मिल रहा है, लिमका भी मिल रहा है, यहाँ पे क्या है भाई सुल्तान की चाय भी मिल रही है, सुल्तान की चाय, और वो क्या खाओ शाओ खाओ शाओ, ये भी चाइनीज़ है, अब कुछ तो ट्राई करना चाहिए। और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर लाइव बेकिंग है, अच्छा। और यहाँ पर देख लें भाई, यहाँ पर खूबसूरत सा सिटिंग एरिया बना हुआ है यार, ज़बरदस्त। I don't wanna ask ya, I don't wanna waste your time, but can we go back, yeah, where everything felt just fine, and we would just laugh on, I hate that we argue all the time, I should've read between the lines that you did last night, we're fucking young and we're dumb, but we're so far away, I'm 21 getting drunk. भाई यहाँ पे तो काफी कुछ है खाने पीने का, हॉट पॉट भी है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैरायटीज है नॉर्थ वॉक में, आपको जरूर विजिट करना चाहिए यार, तो काफ़ी अच्छी सी बनी हुई है, स्ट्रीट की तरह बना हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। अभी हम लोग तो बिरयानी ट्राई कर रहे हैं, बिरयानी ट्राई करके देखते हैं कैसी है यहाँ की। भाई बहुत ही चिल माहौल है जी, हम लोग बैठे थे वहाँ पे, अभी हम लोग खा रहे थे, वहाँ से बिरयानी खाई, बिरयानी अच्छी थी, मज़े की थी, ये देखें जानी बिरयानी की, अभी हमने यहाँ से ऑर्डर किए मोमोज,
तो मोमोज आते हैं तो देखते हैं कैसे मोमोज हैं। अभी फ्राइड मोमोज हमने ऑर्डर किए और यहाँ पे है लूडो जो अजलान एंजॉय करेंगे। चुके हैं गर्मा गर्म मोमोज। अब ये फ्राइड मोमोज ले थे, अब खा के देखते हैं जी यहाँ के मोमोज कैसे हैं। अजलान खाओगे? खाओगे नहीं खाओगे? खा लेना यार, अच्छे होंगे। है ना भाई, बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है, सिर्फ एक दो नहीं ये तीसरा वाला पार्ट है। यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है जी पिज़्ज़ा शीज़ा मिल रहा है, लाइव बेकिंग, और यहाँ पे पता नहीं क्या है। देखते हैं हम डोनट ढूंढ रहे हैं, अल्लाह करे हमें कहीं से डोनट मिल जाए। चलें जी, हमने सब खा लिया था खाना शाना, हमने मोमोज खाए, मोमोज भी बहुत मज़े के थे और बिरयानी भी बहुत ही वीआईपी थी। अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ से वॉफल्स जो हमारे फेवरेट हैं। अब देखते हैं यहाँ के वॉफल्स कैसे हैं। सन मैजिक से हमने लिए आइसक्रीम और वॉफल्स हमारे बन रहे हैं, और आइसक्रीम हमने ले लिए बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे वॉफल्स नहीं खा रहे जी, बस बच्चे आइसक्रीम ही खाएंगे। फाइनली जी वॉफल्स आ चुके हैं हम लोगों के, और देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। अभी खा के देखते हैं और फिर बताते हैं आपको वॉफल्स कैसे हैं। यहाँ पे खंसा को हमने दिला दी आइसक्रीम, खंसा आइसक्रीम एंजॉय करिए, हम खाएंगे वॉफल्स। वॉफल खा लिया जी, लेकिन वॉफल थोड़ा एवरेज सा था, इतना कोई मज़ा नहीं आया वॉफल में भाई। इस हुसैनाबाद का वॉफल ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये वाला वॉफल बस सही था, ठीक ठीक था, मज़ा नहीं आया इतना। लेकिन हाँ बिरयानी अच्छी थी, और हमने क्या ट्राई किया, ये हमने मोमोज ट्राई किए, वो भी बहुत अच्छे थे। अब हम लोग निकलते हैं जी। हाँ ये और वो तीनों ट्राई की, लेकिन बस वॉफल एवरेज था। मिक्स एंड मैजिक की आइसक्रीम भी तो ली बच्चों के लिए। ये ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ नहीं हो रहा है, मिक्स एंड मैजिक का नाम आ गया, आ गया। आज का दिन गुजर चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। खंसा की है बर्थडे, तो जाएंगे खाला के घर, और खंसा का आज एक बहुत जबरदस्त टक 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 केक कटिंग होने वाली है, तो वो भी आपको दिखाएंगे और उसकी बात करेंगे आपसे। आ गए थे घर, घर से अब जा रहे हैं खंसा की केक कटिंग करने के लिए खाला के घर, और बस निकलते हैं। टिंकू मामा को भी ले लिया है, और खंसा का ड्रीम केक, और आपको भी दिखाते हैं ड्रीम केक कैसा है। ये देखिए जी, ओह अब खंसा इस पर ठक 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 ठक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नई नई चीजें हैं भाई, टक टक थोड़ा तेज काटो ना, थोड़ा तेज करो, तेज करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, कुछ हो नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग। आज हम आए जी खाला के घर, और यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, और अभी खाना शाना खाएंगे जी। केक कट गया है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक एंजॉय हो रही है। कितने पियोगे तुम लोग कोल्ड ड्रिंक? ओके जी, हैप्पी बर्थडे हमसा वंस अगेन। रात का प्रोग्राम सज गया, आए लड़ी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा मुस्तफा, मरहबा मुस्तफा, मुस्तफा से प्यार है दिल से ये प्यार है। हर कोई मिला रे नबी करने को तैयार, माशाल्लाह। ओके जी जनाब, आज का ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट, एंजॉयड इट, और हमारे चैनल को जल्दी 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सबको जल्दी जल्दी कर दें। अभी के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द। बाय बाय कर दो, बाय बाय।